उत्सव का था आयोजन। तीज उत्सव पर गार्डन को पतंगों से सजाया गया। जगह जगह महिलाओं के लिए झूले लगाए गए। महिलाओं के लिए सेल्फी प्वाइंट थे। पंचकुला के कालका में हर वर्ष की तरह इस बार भी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा द्वारा पिंजौर यादविंद्रा गार्डन में महिलाओं के लिए तीज उत्सव का आयोजन किया गया। गार्डन में तीज उत्सव हरियाणा संस्कृति अंदाज में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर सरबजीत कौर, पूर्व मेयर नगर निगम चंडीगढ़ ममता शर्मा, SDM पंचकुला ऋचा राठी, संयुक्त आयुक्त नगर निगम पंचकुला रुचि सिंह बेदी, SDM कालका समेत क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहीं। महिलाओं ने गानों पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा के साथ डांस किया और ढोल पर खूब भंगड़ा किया। ऐसा है, ये विशेष रूप से सिर्फ हमारे कालका विधानसभा की देन है, जिसमें कि हमारी पूरा क्षेत्र चाहे मोरनी या पुरानी कालका पिंजौर से ज्यादातर, और हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं जो हमारी मेयर रही है चंडीगढ़ की, उनको भी, चंडीगढ़ की MCs को, अपने पार्टी के पदाधिकारी और पंचकुला जिला उसकी हमारी, क्योंकि महिला मोर्चे का विशेष रूप से कार्यक्रम है, और वहाँ की अपने पंचकुला से भी हमारी जो महिला पदाधिकारी MCs और वो पब्लिक प्रतिनिधि वो भी यहाँ पर आए। तीज का त्यौहार पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास और जोर शोर के साथ मनाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा में ये मनाया जाता है। और बहनों के सौभाग्य का, बहनों के पहनने ओढ़ने के साथ बड़े अच्छी तरह साजो श्रृंगार के साथ कि नाचना गाना, इसमें विशेष रूप से झूले के साथ, और हरे का तो विशेष महत्व है इन दिनों, क्योंकि सावन के दिनों में ही रहता है। और इसी तरह हम हमेशा पिंजौर गार्डन, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक गार्डन है और हमारे पिंजौर में ये है, तो हर वर्ष हम यहाँ पर तीज का त्यौहार मनाते हैं, और आज उसी की भांति यहाँ पर हमने हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाने का काम किया। सभी बहनें हमारी यहाँ पर बड़ी उत्सुकता से, बड़े जोश शोर के साथ आई हुई हैं, और मिल करके हम सभी इस तीज को मनाएंगे। और उसके बाद सब बहनें, जैसे कि आपने देखा, सभी बन ठन के हरी साड़ी पहने, कोई पीली साड़ी पहने हुए, सभी रंगों के साथ यहाँ पर आने का काम किया है। और उसके बाद मेहंदी लगाने का विशेष, और झूले का वो भी हमने यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया है, और मिल करके सभी यहाँ पर इसको तीज के त्यौहार पर यहाँ मनाएंगे। मैं पुनः सबको बहुत बहुत हरियाली तीज की शुभकामनाएं देती हूँ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना न भूलें।